गाइस हम आ गए हैं बोरीवली नेशनल पार्क के अंदर और आप देख सकते हैं दिस इज द टिकट विंडो जहां पे आप टिकट्स ले सकते हैं। तो गाइस ये है हमारी टिकट विंडो, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पे आपको टिकट्स मिल जाएंगे, राइट। थोड़ा सा मैं आपको जूम दिखाना चाहूँगी, इस तरीके से आप देख सकते हैं थोड़ा सा टिकट विंडो पे। नॉर्मल कैमरा फोटोग्राफी के लिए 214 चार्जेस हैं, मोटरसाइकिल के लिए भी आपके 55 चार्जेस हैं, चिल्ड्रन बिटवीन 12 ईयर्स 41 रुपीज़ है। मैं आपको पूरा बोर्ड दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, सो एवरीबडी इज़ एक्साइटेड टू गो देयर। सो लेके चलती हूँ मैं आपको आगे कि ये पार्क कैसा है और यहाँ पे क्या क्या एक्साइटिंग एडवेंचर्स मिलने वाले हैं आपको। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। इस पार्क के मेन अट्रैक्शंस मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे। सो ये जो हमारा बोरीवली नेशनल पार्क है जिसे हम SGNP के नेम से भी जानते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे अट्रैक्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि यू कैन हायर अ बाईसाइकिल, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर इज़ देयर, बोटिंग लेक इज़ देयर, वन रानी इज़ नोन एज द दिस थिंग द टॉय ट्रेन। इसके अलावा आपको सफारी बुकिंग विंडो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है इफ़ यू वांट टू यू नो डू सम एडवेंचरस एक्टिविटीज़। अपार्ट फ्रॉम दिस देर इज़ अ कैक्टस गार्डन, देर इज़ अ फ्रेग्रेंस गार्डन, कॉन्फ्रेंस हॉल, ये सारे ही स्पॉट्स हम कवर करने वाले हैं आज की जर्नी में। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। आप देख सकते हैं किस तरीके से राइडर्स यहाँ पे राइड कर, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा है। और मैं आ गई हूँ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन की तरफ। सो यहाँ से आपको दो कट्स मिलेंगे, एक राइट और एक स्ट्रेट, तो हमें स्ट्रेट जाना है। सो वी आर मूविंग अहेड टू द स्ट्रेट एंड मैं आपको लेके चलने वाली हूँ। सो कभी भी गलती से आप राइट मत लीजिएगा, हमें स्ट्रेट जाना है, राइट। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द स्ट्रेट पार्ट, लेट्स बिगिन द जर्नी। और बहुत ही स्पीड में है हम, और हम पहुंच रहे हैं अपने सफर की ओर। सो देयर इज अ ब्रिज, ये आपको पार करना है एंड देन वी कैन मूव अहेड फॉर द रेस्ट स्पॉट, तो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत कठिनाई हो रही है। हाय बुलियान, कैसे आंटी? बढ़िया, बस बताइए। सो यहाँ पे हमें एक आंटी मिली हैं बोरीवली नेशनल पार्क में, जो काफ़ी सारा आपको एनर्जी स्टफ देंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रूट चाट है और लेमन जूस है, हेल्दी चने हैं जो खा के आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे, अमेजिंग सा स्टफ है। और काफ़ी लोग यहाँ पे रुके हैं स्पॉट्स पे, और मंकीज भी आपको मिल जाएंगे जगह जगह पे। सो रोड से सीधा ब्रिज पार करते ही आपको यहाँ पे दो वे दिखेंगे, सो वन इज स्ट्रेट एंड वन इज लेफ्ट हैंड साइड। सो हमें लेफ्ट वाले की तरफ बढ़ना है जहाँ पे आपको मल्टीपल स्पॉट्स मिलने वाले हैं। अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो स्ट्रेट रास्ता जो है वो आपको लेके जाएगा डायरेक्ट कान्हेरी केव्स की तरफ, जो कि हम कवर करने वाले हैं दूसरे टर्म में। सो अभी हम पहले टर्म में जाने वाले हैं टू दिस वे विच इज टूवर्ड्स द जैस्मिन पार्क। थैंक यू। सो गाइज अब हम आ गए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पे जिसका नाम है
ब्यूटीफुल लेक यहाँ पे, मैं आपको उसका नाम नहीं बता पाऊंगी बिकॉज वो बोर्ड पे मेंशन था, आई फॉरगेट दैट। उसके लिए मैं आपको बोर्ड दोबारा से दिखाने वाली हूँ। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक है हमारे नेशनल पार्क के अंदर, तो अगर आपको लेक साइड व्यू भी चाहिए तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन साइड द पार्क। सो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग सा नज़ारा है। एंड कंटिन्यू रहिए विद जेस डायरीज, मैं आपको आगे की काफ़ी अच्छी एडवेंचरस चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ। दिस अ ब्रिज, अगर आपको मैंने फर्स्ट स्पॉट दिखाया था वहाँ से आप लेफ्ट लेते हैं तो लेफ्ट लेके स्ट्रीट जाने के बाद ही आपको ये स्पॉट मिल जाता है जहाँ पे आप बहुत ही अच्छा सा पीस टाइम और बहुत ही अच्छा सा प्लीजेंट सा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे या इवनिंग के टाइम पे। सो गाइज आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग सा नज़ारा है, और इस अमेजिंग से नज़ारे में मैं आपको लेके चलने वाली हूँ दो बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल्स के पास। सो लेट्स सी, देखते हैं कि उनका सफ़र कैसा चल रहा है इस नेशनल पार्क में। हाय हाय हाय, मेरा नाम रेवती है एंड ओके मानसी। ओके सो मानसी, आज का संडे प्लान क्या है आपका, लाइक पार्क में ही स्पेंड करना था आपने या फिर कुछ लाइक स्पेशल है आज? नहीं, हम लोग साइकिलिंग करने आए एंड देन ऐसे बहुत फ्रेश एयर लेने आए थे। हमें यहाँ पे, हम बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, बहुत सही जगह है साइकिलिंग के लिए भी और चलने के लिए भी। ओके या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अगर आपको नेचर से प्यार है देन यू लव दिस प्लेस। ओके सो नेचर्स लवर्स के लिए आपका कहना है कि बहुत ही अमेजिंग जगह रहेगी ये। और क्या नेक्स्ट स्पॉट हमें मिल सकता है यहाँ पे आगे? यहाँ से इफ़ यू वांट टू गो वॉकिंग तो गांधी ट्रेल जा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ऐसे स्टेयर्स है, ऐसे माउंटेन ऐसे चढ़ते हैं वो स्टेयर्स, वो बहुत अच्छी जगह है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप दोनों से मिलके। हैव अ हैप्पी वैलेंटाइन टू ऑल बोथ ऑफ यू एंड हैप्पी संडे टू ऑल। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब द जेस डायरीज। यस एब्सोल्युटली, थैंक यू, बाय बाय। सो दैट्स इट फॉर दिस प्लेस एंड मैं आगे लेके जाने वाली हूँ आपको बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट स्पॉट पे। सो गाइज ये रही हमारी टाइगर सफारी, और मैं आपको जैसे कि मैंने आपको बोला था कि लेक के बाद मैं नेक्स्ट स्पॉट पे लेके आऊँगी, तो दिस इज़ द नेक्स्ट अमेजिंग स्पॉट जहाँ पे आप लाइव टाइगर एंड लायंस को व्यू कर सकते हैं। सो दैट स्पॉट इज़ नोन एज टाइगर सफारी स्पॉट, जो कि लेक के सिर्फ 5 मिनट्स अवे है वॉकिंग डिस्टेंस पे। एंड टिकट आपको सामने टिकट काउंटर से बुक करनी है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ से आपकी टिकट बुक हो जाएगी फॉर द स्पॉट, एंड शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। सो एंड ये आपकी बस है सामने, यहाँ से आप ये बस फुल होती है एंड द टिकट प्राइजेज आर जस्ट रीजनेबल एट जस्ट ₹103, जो कि इनके करंट चार्जेस हैं। यहाँ पे आपको कुछ खाने का स्टफ भी मिल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। हाय मैम, कैमरा शायद है तो मैम नहीं आना चाहते, नो प्रॉब्लम। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टाइलिश फूड डेकोर किया हुआ है एंड काफ़ी लोग यहाँ पे जो है रेस्ट टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एंड देन ये सफारी फुल होते ही यहाँ से निकल पड़ेगी, एंड इसका जो टैक टाइम है ये आपको 20 मिनट्स की राइड्स देते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी यात्री इसमें बैठ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एक्साइटेड हैं टाइगर्स को देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो सफारी की तरफ हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट पे। Thank you.
लेपर्ड है, व्हाइट टाइगर है। ये हमारा गाइस पर्यटक स्थल है और हम वापस आ गए अपनी राइड को पूरी करके। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, आप देख सकते हैं सुबह सुबह ये सारे लोग सफारी के लिए बैठे हुए। कोई जानवरों को लेके कोई खतरा हो, वन विभाग ने पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है? ओके, एंड 11 सालों से आप यहाँ पे सर्विस में हैं, राइट? सो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सफ़र। हमारा चैनल है सर जैज डायरीज, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी एक बार आपका नाम बोल दीजिए सर। सुनील भार्गव जी ने हमें राइड कराई है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल राइड सर, थैंक यू।